बैठे तुला दिए यू बैठ लेके तुला दिए और क्या करा दूं आजा हो गया अब ये मोड़ लगा आपकी चले बड़ा अच्छा ले ले अब ये झगड़े कोई बात नहीं हमारा मामला ये था विधायक का फर्ज बनता है भाईचारा कायम रखने का और किसान ये भाईचारा कायम रखने की पहल कर रहे हैं इसको देखते हुए मैं भाईचारा कायम रहे उसको देखते हुए आज नवाना विधायक के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी है जो कल गांव ब्राह्मण बाणा में ये विवाद हुआ था कि उसने जानबूझ के भाईचारा खराब करने के लिए एक उद्घाटन करने की कोशिश कर दी और किसानों की मना करने के बावजूद भी और लोगों के जो उस गांव के लोग हैं उनका विरोध करने के बावजूद भी वो धक्के से गाँव में आता है और ये दिखाना चाहता है कि हम भाई गांव अपना बाणा में उद्घाटन करके गए और उसका मकसद ये था कि छत्ती बिरादरी का भाईचारा कैसे टूटे उसको देखते हुए आज SHO साहब को हमने एप्लीकेशन दी है कि भाईचारा नुकन कायम रहे और उसको देखते हुए हमें आश्वासन क्या नाम है आश्वस्त हैं कि SHO साहब भी इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे तो क्या आश्वासन दिया SHO साहब ने SHO साहब ने कोई ठोस आश्वासन तो दिया नहीं ये कहा भाई एप्लीकेशन पकड़ ली देखो भाईचारा कोशिश करेंगे वो भी थाने में ऐसा है जी कि कल बाणा ब्राह्मणा के अंदर नरवाणा के विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा जी वहाँ गए थे और उन्होंने एक धर्मशाला का उद्घाटन किया था और ऐसा सुनने में आया है कि वो ज़मीन तालाब की ज़मीन है और तालाब की ज़मीन पे ऐसे उद्घाटन करना ये उचित नहीं है और दूसरी बात यहाँ किसान आंदोलन बड़े ज़ोरों पर पूरे देश के अंदर है और किसानों ने फैसला भी किया और सरकार के पास ये मीडिया के माध्यम से बात भी भेज दी अपनी कि जब तक ये आंदोलन चले सरकार का कोई भी नुमाइंदा कोई भी विधायक है वो सार्वजनिक प्रोग्राम ना करे किसी गांव में ना करे ताकि भाईचारा ना बिगड़े और ये एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ बाणा ब्राह्मणा में जो विधायक जी का कार्यक्रम था ये हमारे भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश थी लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे किसान बड़े बुजुर्गों को दोस्तों को जिन्होंने भाईचारा बिगड़ने नहीं दिया बल्कि भाईचारे को कायम रखा इसलिए तो मैं किसानों का धन्यवाद दी हूँ और सरकार से आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा आने वाले समय में भी ऐसा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम सरकार के विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री कोई ना करे जब तक किसान आंदोलन चला है।